नया तरीका से आज बनाएंगे सार्डिन मछली का करी। नमस्ते, मैं शौर्बानी, सहजे सुस्वादु किचन में आपको हार्दिक स्वागत है। सार्डिन मछली तो आप खाए हो, लेकिन ये मसाला से कभी नहीं खाए। चलिए रेसिपी देख लेते। ये तैयार करने के लिए हम ले लिए हैं 1 छोटा चम्मच करके जीरा, धनिया स्नॉफ, काली मिर्च, सूखा मिर्च। 1/2 कप पानी से इसे 15 मिनट के लिए सोक करके रखें। 400 ग्राम सार्डिन मछली अच्छे से धो के नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर से इसे मैरिनेट करके रखेंगे 10 मिनट के लिए। कोई भी मछली का रेसिपी बनाने के वक्त इसे अच्छे से धो के लेना चाहिए, नहीं तो इसके अंदर से एक बुरा स्मेल आता है। 15 मिनट बाद अच्छे से मसाला फूल गया है। अभी इस पानी के सहित इसे ग्राइंडर जार में डालें। 1 मीडियम साइज प्याज, अदरक नहीं डालेंगे इधर, टमाटर 1 बड़ा साइज का, 1 फाइन पेस्ट बना लें। 1 कढ़ाई में 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डालें। तेल हाई फ्लेम में गरम करने के बाद मीडियम फ्लेम में देके मछलियों को देके फ्राई कर लेंगे। मछली फ्राई होने के बाद बचे हुए जो तेल है इसमें 1.5 बड़ा चम्मच नारियल तेल, एडिबल कोकोनट ऑयल जो होता है उसे देके, थोड़ा सा प्याज स्लाइस देके भून ले। अब पेस्ट किए हुए मसाला देके अच्छे से भूनना पड़ेगा। 6 से 7 मिनट तक इसे लो फ्लेम में रख के भून लीजिए। नमक 1/2 छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच। भूनते भूनते जब तेल तैर के आ जाएगा तब इसमें ऐड कीजिए 1 कप नारियल के दूध। फ्रेशली घर में बने हुए नारियल दूध देने से ही अच्छा होगा, थिक ग्रेवी होगा। मछली को ऐड करें। ढक्कन देके लो फ्लेम में रख के और 5 मिनट इसे पका ले। मछलियों को पलट के दीजिए और बीच बीच में चला लीजिए। ग्रेवी ठीक हो गया है, तेल तैर के आ गया। अब इसमें 3 से 4 हरा मिर्च देके और 2 मिनट इसे पका लीजिए। फ्लेम बंद करके चावल पुलाव इसके साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक दीजिए। आपको कितना अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताइए और सहज सुस्वादु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।